आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर। इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट और एक ही चैप्टर है, ठीक है ना। दैट इज यूनिट नंबर वन और इसके अंदर यही चैप्टर और यही यूनिट, दैट इज इंट्रोडक्शन। पहले कभी ये 6 मार्क्स की आया करती थी, बट आज इसकी वेटेज 6 मार्क्स से कम होके 4 मार्क्स की हो गई है। दैट इज आजकल इंट्रोडक्शन 4 मार्क्स का आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसके अंदर एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो पहला टॉपिक है दैट इज सेंट्रल प्रॉब्लम। तो सब हेडिंग डालेंगे, लिखिए सेंट्रल प्रॉब्लम। क्या सेंट्रल प्रॉब्लम को किसी और नाम से भी जाना जाता है? हाँ, सेंट्रल प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ही बात है, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं, फिर हम बात को अंडरस्टैंड करेंगे पूरा। लिखिए सेंट्रल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सेंट्रल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सेंट्रल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एक सेकेंड रुकिए बस। सेंट्रल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स। बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। And limited resources, having alternative uses, full stop, बस। अब मेरी बात को ढंग से समझेंगे। एक्चुअली में सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? लिखा है सेंट्रल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। सेंट्रल प्रॉब्लम किसकी प्रॉब्लम है? सेंट्रल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। Between unlimited wants and limited resources, having alternative uses. अब इस बात को ढंग से अंडरस्टैंड करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, एक्चुअली में लिखा क्या गया है, ढंग से देखिएगा। मैं कह रहा हूं ये है मिस्टर ए। कौन है भाई ये बताइए जल्दी से। ये है मिस्टर ए, और मिस्टर ए के सर पे बताइए क्या है ये। मिस्टर ए के सर पे बताइए क्या है ये। ये है हाथ। क्या है ये? हाथ। बताइए किसका हाथ है? यह है अंबानी का हाथ। किसका हाथ है? अंबानी का। मिस्टर ए के सर पे अंबानी का हाथ है, तो मुझे बताइए कभी भी मिस्टर ए को मार्केट में जाके क्या सोचना पड़ेगा, क्या क्या खरीदना है क्या या नहीं खरीदना। जब भी मिस्टर ए मार्केट के अंदर जाएंगे कुछ भी खरीद के ला सकते हैं, कभी भी चॉइस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि इनके सर पे किसका हाथ है? अंबानी का हाथ। इस बात का मतलब इनके पास रिसोर्सेस पता है क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेस। क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेस। जब भी हमारे पास रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं, तो कभी भी हमें चॉइस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यानी चॉइस करने की जरूरत कब पड़ती है? मैं कह रहा हूं आज मिस्टर ए के सर पे अंबानी का हाथ हट गया, आज मिस्टर ए के सर पे सिर्फ अपना ही हाथ है, बताओ क्या रिसोर्सेस लिमिटेड हो गए? हाँ। आज जब भी मिस्टर ए मार्केट के अंदर जाएंगे, तो हमेशा सोचने की जरूरत पड़ेगी क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना। यानी आज मिस्टर ए पता है क्या कर रहे हैं? चॉइस कर रहे हैं। पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज क्या हो गए? लिमिटेड। यानी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो चॉइस की ही प्रॉब्लम है, ठीक है ना। किसकी प्रॉब्लम है? चॉइस की। किस किस चीज के बीच में चॉइस करनी है? हमें चॉइस करनी है बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। किस किस के बीच में? अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है ना। यानी हम ह्यूमन वांट्स तो क्या है? अनलिमिटेड। आज मेरे पास सेंट्रो कार है, मेरे को लग रहा है होंडा सिटी होनी चाहिए। होंडा सिटी आ गई तो मेरे को लगना मर्सिडीज होनी चाहिए। मर्सिडीज आ गई तो मेरे को लगना मैसेराटी होनी चाहिए। मैसेराटी आ गई तो मेरे लग रहा प्राइवेट जेट होना चाहिए। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट रिसोर्सेज टू फुलफिल ह्यूमन वांट्स आर लिमिटेड। देयरफोर हमें क्या करनी पड़ती है? हमें चॉइस करनी पड़ती है लाइफ के अंदर कि हमें क्या चीज चूज करनी है, क्या चीज चूज नहीं करनी। क्या सेम प्रॉब्लम हमारी कंट्री के सामने भी है? हाँ, सेम प्रॉब्लम हमारी कंट्री के सामने है।
हमारी कंट्री को भी चॉइस करनी पड़ती है कि हमें रिसोर्सेज कहाँ पे यूज करने और कहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज है लिमिटेड। बात समझ में आ रही है? तो सेंट्रल प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बिटवीन अनलिमिटेड वॉन्ट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। फुल स्टॉप।